हेलो नमस्ते सलामकुम, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे नए टीम के नए ब्लॉग में। तो आज बेसिकली है बड़ी रात, तो इसीलिए अभी सुबह अभी अभी जस्ट हमने सहरी करी है और खाने में मम्मी ने बनाया था, देख लो। कढ़ी खिचड़ी, उसके साथ मैंने खाई है मलाई रोटी, चार रोटी, तीन चीज़ मैंने खाई है। अभी जस्ट मैं उठा हूँ, मतलब 5 बजे उठा था। उसके बाद पहले मैं नमाज़ पढ़ ली, उसके बाद सहरी तुरंत कर ली, अब फिर मैं आपके पास आया हूँ। टाइम देख लो अभी कितना हुआ है, होने से ऑलरेडी हो चुके हैं। तो अभी सबसे पहले हमें हमारा काम करना है अपलोड का, तो अभी आप अपलोड करने ही जा रहे हैं बाहर, ठीक है। हेलो गाइस, व्हाट्सअप, क्या हाल चाल है। अभी अभी जॉब से आया हूँ और सीधा नमाज पढ़ के सीधा ऊपर ही आया हूँ। और आज है मेरा रोज़ा, तो वो हिसाब से रोज़ा बहुत ज़्यादा लग रहा है। भूख तो इतनी लगी है, तो भाई सहन कर सकता हूँ, लेकिन भूख बहुत ज़्यादा लगी ली है। अब सोच रहा हूँ कि एडिटिंग तो अभी तो नहीं हो सकती है अपने तहज्जुब वाली रिलीज की, तो इससे अच्छा जब शाम को उठूँगा तो उसी टाइम पे कर लूँगा। तो अभी मैं डायरेक्ट सोने ही जा रहा हूँ, क्योंकि एनर्जी ज़रा भी नहीं, जीरो है। तो वो हिसाब से अभी मैं डायरेक्ट सो जाऊँगा। अभी देखो कितने बजे, 2:05 हो गई, तो अभी डायरेक्ट सो जाएगी। अभी मैं नमाज़ पढ़ के आया जोहर के, तो अभी ना सो जाएगी। इसके बाद उठेगी 5 साढ़े 5 बजे के आसपास, क्योंकि हमें 6:30 बजे इफ्तार करना है, तो उस टाइम पे खाना मिलेगा। और अभी तो भूख लगी, तो शाम को ही मिलते हैं इफ्तारी के टाइम पे, ठीक है। तो गाइस अभी मैं रोज़ा खोल के उठा और नमाज वमाज पढ़ के तैयार मुझे होकर फ्रेश होके कब्रिस्तान गया था दादा दादी से मिलने, और अब भी घर आया। और आप लोगों को पता है कि आज सवे 12 की बड़ी रात है, तो वो हिसाब से मुझे लेट हो गया। और अभी देखो कितने बज रहे, अभी 7:30 हो चुके हैं। और हमें एडिट करने बाकी है जो बड़ी रील्स, और आज का व्लॉग का भी रिकॉर्ड करना, ठीक से रिकॉर्ड हुआ ही नहीं। तो देखते हैं, अभी बाहर जाते हैं। तो अभी हम जा रहे हैं नमाज पढ़ने के लिए, ईसा की नमाज़ पढ़ने के लिए, और आज है सवे 12। वो हिसाब से हम जा रहे हैं नमाज के लिए, तो हम इसी जगह नमाज़ पढ़ने के जिससे रामगढ़ की शान कहा जाता है, मस्जिद अली, हम उसी में नमाज़ पढ़ेंगे आज। तो लेट्स सी, देखते हैं वो दिखाई नहीं। ये रही ये मस्जिद, जो अंदर से बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है, बहुत ज़्यादा अच्छी है। लेकिन यहाँ पे नमाज भी होगा यार, मैं लेट पढ़ गया, अब दूसरी जगह मुझे नमाज़ पढ़ना पड़ेगी। यार मैंने बहुत टाइम से नमाज़ पढ़ी, क्योंकि ये मेरे टाइम नहीं मिलता, तो जो घर का मंदिर है उसी जगह मैं नमाज़ पढ़ लेता हूँ, अब दूसरी जगह आना पड़ेगा। मैं तो घर के पास ही पढ़ लेता, सबसे बेस्ट हुआ। सभी मेराज के लिए अभी अभी दारुल अशरफ की यहाँ पे हमने नमाज़ अदा करी है। ये बेसिकली एक मस्जिद भी है, मस्जिद के साथ अपने वो भी हॉस्टल है, हॉस्टल। आज के जनरेशन के हिसाब से हॉस्टल कैसे काबिल है। यहाँ बच्चे कुरान हाफिज होने के लिए आते हैं, दूर दूर से आते हैं। देखो ये सारे पूरे रूम है, ये सब बच्चों के लिए रहते हैं यहाँ, और कुरान की तालीम दी जाती है। और यहाँ से हाफिज होते हैं, कारी बनते हैं, तो बेसिकली एक किताबें अपने कैसे कॉलेज में या हॉस्टल होता है कि हॉस्टल में रह के वहीं पढ़ने का, खाना पीना सब वहीं पे, उसी तरह इनका भी यही है। तो बच्चे आते दूर दूर से हाफिज बनने के लिए, तो वो हिसाब से उनको यहाँ ट्रीटमेंट दी जाती है और कुरान की तालीम दी जाती है। अभी अभी जस्ट सब का खाना देने के लिए बाहर आया हूँ, तो चाइनीज़ नहीं है, क्योंकि उससे बड़ा ऑप्शन है।
सीधा वहीं जाते और वहीं से हम बर्गर ऑर्डर करके बर्गर खा लेते, वो टाइम से खाई जाने। देखो देखो ये जमाने से हर खतर पेरी चीज बर्गर। तो इसी के साथ हम हमारा आज का ब्लॉग एंड करते हैं। अब मिलते हैं कल, कल बड़ा दिन है तो फिर हम कल भी रोज़ा रखेंगे, तो इसीलिए तो हम 5 बजे उठने वाले हैं। सो अब मैं एडिटिंग का काम करने वाला हूँ। अभी कितने बजे? ऑलरेडी 11 बजने को आए हैं और अब मैं एडिटिंग का काम शुरू करने वाला हूँ। सो बस यही आज का रहा दिन। आज बड़ी रात थी तो कल बड़ा दिन है, आज और कल हमने रोज़ा रखा, तो हम मिलते भी कल। कल का दिन कैसा रहेगा कैसा नहीं क्या पता। तो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और मिलते हैं कल के ब्लॉग में। ओके बाय बाय।